बीजेपी ने कार्यकर्ताओं के सहारे अब मैदान में पूरी ताकत झोंकने की तैयारी कर ली है। बीजेपी नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नरसिंहपुर में पत्रकारों को संबोधित करते बताया कि कल से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है, जिससे में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर जनसंपर्क करेगा। दमोह सांसद और बीजेपी नेता प्रहलाद पटेल ने दावा किया कि बीजेपी चौथी बार फिर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। इसके लिए सभी कार्यकर्ता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल से 5 चरणों में चलने वाला प्रचार अभियान शुरू हो जाएगा। इसी के तहत बीजेपी 21 को कमल दिवाली भी मनाएगी। वहीं कांग्रेस के सवाल पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि कांग्रेस ना कार्यालयों में है ना मैदान में, वह तो सिर्फ सोशल मीडिया में है और वह प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है। आप क्या कहेंगे, राम मंदिर को कैसे देखना, क्या बनना चाहिए जल्दी? पहले तो मैं शंकराचार्य के बयान का जरूर बोलूंगा, जो चुनाव आ गया वो बोल रहे हैं तो आप समझ जाइए उनका बयान का मतलब क्या है। शंकराचार्य को तो सदैव बोलना चाहिए, चुनाव के समय क्यों बोल रहे हैं? यहां सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है तथ्य हमारे पक्ष में है, न्यायालय जल्दी फैसला करेगा। पर अगर कोई टालने की कोशिश करता है तो सर मुझे लगता है ठीक नहीं है। अभी तो पार्टी की लाइन है, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण कि हम जिसको लाभार्थी या हितग्राही कहते हैं अपनी आम चरण की भाषा में, भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण अलग है। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि यदि किसी को प्रधानमंत्री आवास में मकान मिला तो ये उस पर एहसान नहीं है, बल्कि उसने अपने गांव के विकास में, राज्य के विकास में और देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। अगर कोई कर्ज मुक्त हो गया है तो वो भी एक समाज में बड़ा योगदान करता है, क्योंकि वो निश्चित भाव से सकारात्मक ऊर्जा देकर समाज में अपनी हिस्सेदारी करता है। इसलिए कार्यकर्ता से हमारी अपेक्षा ये और पार्टी ये मानती है कि जिनको भी किसी भी प्रकार का लाभ मिला है सरकार से, हमें मानते हैं कि उसने समाज में के विकास में अपनी महती भूमिका अदा की है और इसलिए उस नाते हम उससे ये अपेक्षा करते हैं कि वो एक कमल दीपावली के नाम पर एक दीपक जलाकर हमको सहयोग करें और देश के इस विकास का उत्सव बनाए। हमने जो दूसरा चरण है वो 13 और 14 नवंबर को है। बीच का जो गैप है वो नामांकन के लिए और विधान तक के लिए गैप है। पार्टी का ये दूसरा बड़ा अभियान होगा जिसमें नौजवान मोटरसाइकिल यात्रा निकालेंगे 13 और 14 नवंबर। 15 तारीख को हर घर झंडा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और उसका समर्थक उसके घर पर पार्टी के ध्वज लगाने का अभियान, ये हमारा इस अभियान का तीसरा कार्यक्रम होगा। और जो चौथा कार्यक्रम है वो 21 नवंबर को, 7 तारीख को दीपावली होगी, 19 तारीख को देवभूमि 11 जिसको विरोध दीपावली कहते हैं, 21 तारीख को कमल दीपावली, भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव अभियान का पार्टी की दृष्टि से हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा। और जो सभाएं आम सभाएं हमारे प्रादेशिक राजनीतिक नेताओं की होंगी वो होंगी, जो उम्मीदवारों के कार्यक्रम होते हैं वो चलते रहेंगे। और उसके बाद हमें मानते हैं कि 28 तारीख को बड़े पैमाने पर लोग मतदान करेंगे और चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस अभियान में सारे लोग जुटे, इस नाते आज के कार्यक्रम में भी सभी जिला मुख्यालय पर किसी न किसी प्रमुख व्यक्ति की जिम्मेदारी थी। कल प्रारंभ होगा जब हमारा विशिष्ट अभियान, उसके लिए भी प्राय एक नेता जिले के मुख्यालय पर हमें सूची कर रहा है। जो हमारे विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्र हैं या जहां पर उनकी जिम्मेदारी होते हैं और वो इस अभियान की शुरुआत करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि जो बीच का कालखंड होगा जहां पर उम्मीदवारों की घोषणा होगी और